नमस्ते सस्त्रकाल खड़ी गम्मा, मैं गौरी छुगानी तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में ब्लिसफुल यू एंड माइंड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक बहुत ही पॉपुलर डिश जो कि है पास्ता। आज हम इसे बनाने वाले हैं बिल्कुल ही अलग हटके स्टाइल में, वो है इंडियन देसी स्टाइल तड़का। सो चलिए फटाफट से चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ और जान लेते हैं फटाफट से इसके इंग्रीडियंट्स कैसे बनता है ये रेसिपी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पतीले में एक पानी रख लिया है जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। जब हमारा पानी बॉईल हो जाएगा तब मैंने यहाँ पे डाला है 1.5 कप के आसपास पास्ता। ये देखिए मैंने ऐड कर लिया, 1.5 कप के आसपास पास्ता ऐड हो चुका है। अब इसे हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। अब इसमें एक कंडीशन है, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के आसपास ऑयल। ऑयल हमने क्यों डाला है, जब हम इसको पास्ता को बॉईल करेंगे तो पास्ता क्योंकि आपस में चिपक जाएंगे, सो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ऑयल ऐड कर रहे हैं। अब मैं डालती हूँ 1/2 टीस्पून के आसपास सॉल्ट। ये लीजिए जी, सॉल्ट भी ऐड हो गया। चलिए अब कर लेते हैं फटाफट इसको मिक्स। चलिए जी, अब जब तक हमारे पास्ता बॉईल होते हैं तब तक हम इसकी रेडी कर लेते हैं फटाफट से ग्रेवी जिसमें हम अपने डालेंगे पास्ता। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रख ली है एक कढ़ाई जिसमें मैंने 1.5 बिग टेबल स्पून के आसपास ऑयल ऐड कर लिया है और इस तरीके से मैंने प्याज को लंबा चॉप कर लिया है और मैं अब इसे पका लेती हूँ अच्छे से। ये देखिए, अब इसे हमें तब तक अच्छे से भूनना है जब तक ये लिटिल पिंक या ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते। जैसे ये ट्रांसलूसेंट होंगे हम इसमें अदर वेजीज ऐड करेंगे। वेजीज जो भी हम डालेंगे वे बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ ये देखिए मैंने 1 कप के आसपास ये कॉर्न, जिसको मकई कहते हैं या भुट्टे के दाने कहते हैं, मैंने यहाँ पर डाल लिए हैं। अब मैं डालती हूँ ये 3 बिग चिलीज, ग्रीन मैंने काट ली है ग्रीन चिलीज, और ये ऐड हो गए कैप्सिकम जिसको शिमला मिर्च भी कहा जाता है। चलिए जी, अब फटाफट से मिक्स कर लेते हैं और लिटिल इसको भून लेते हैं। चलिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो मुझे 5 to 10 मिनट्स हो चुके हैं इसे भूनते भूनते। अब हम ऐड कर लेते हैं हमारे मसाले। यहाँ मैंने 3/4 टीस्पून के आसपास मैंने टर्मेरिक डाला है जिसको हल्दी कहते हैं, ये हल्दी हो गया। यहाँ 1/2 टीस्पून के आसपास मैंने रेड चिल्ली पाउडर डाला है जिसे मिर्ची कहा जाता है, लाल मिर्च डाल दिया, ये धनिया डाल दिया जिसे कोरिएंडर पाउडर कहते हैं, 1 टीस्पून के आसपास मैंने वो ऐड करा है। चलिए जी, अब इसे अच्छे से हमें पकाना है, हम अच्छे से इसको भून लेते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो कैरेट्स भी ऐड कर सकते हैं। जी हम बना रहे हैं बिल्कुल जी इंडियन देसी स्टाइल में, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं जैसे आपको पसंद आए। यहाँ पे ये मैं ऐड करती हूँ हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। अब ये थोड़े से भुन चुके हैं, तेल रिलीज होना शुरू हो चुका है, तो मैं डाल रही हूँ अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, वो है टमाटोज। ये लीजिए, टमाटोज भी ऐड हो गया। अब थोड़ा सा हमारी ग्रेवी को थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी देने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ ये टमाटो की प्यूरी। यहाँ ये ऐड हो गए मेरी टमाटो की प्यूरी। ये लीजिए जी, 1/2 कप के आसपास मेरी टमाटो की प्यूरी थी, नियर बाय मैंने 1 टमाटो को प्यूरी बना लिया था। ये ऐड हो गया हमारा सॉल्ट, आपको अपने स्वाद अनुसार ये सॉल्ट ऐड कर लेना है। लीजिए जी, मैंने ये सॉल्ट ऐड कर लिया है जिसको नमक कहते हैं, ये ऐड हो गया नमक हमारा। अब भून लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। चलिए जी, हमारा अच्छे से नमक ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून के आसपास टमाटो सॉस। टमाटो सॉस आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, इफ़ यू नीड लिटिल मोर स्वीट तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, नहीं तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ क्वांटिटी ये बिल्कुल बराबर है। आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल सही चीज़ ये आपका बन के आएगा। ये लीजिए जी, हमारी ग्रेवी अच्छे से रेडी हो रही है। टमाटो को मैं लिटिल मैश करती हूँ, मुझे एक्चुअली पर्सनली टमाटोज थोड़े ऐसे बड़े बड़े मुंह में जो लगे नहीं पसंद है, और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इफ़ यू लाइक आप उसे मैश ना करना, आपको टमाटोज ऐसे मैशी नहीं पसंद है तो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, मगर मैं थोड़ा मैश करना पसंद करती हूँ। यहाँ देखिए जी, यहाँ 15 to 20 मिनट्स मुझे बॉयल करते हो चुके हैं पास्ता को, और आप देखेंगे ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे ये पास्ता।
आपने अगर देखा तो मैं नाइफ से इसको अच्छे से इसमें नाइफ पिन कर पा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। सो आपको भी ऐसे ही टेस्ट करना है कि हमारे पास्ता बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं कि नहीं। सो सॉफ्ट हो चुके हैं, चलिए अभी ड्रेन आउट कर लेती हूँ मैं वाटर और पास्ता को मैं निकाल लेती हूँ। आते हैं हमारी ग्रेवी की तरफ। ये देखिए ग्रेवी है। सो उस थोड़ी देर हो चुका है 5 मिनट्स। अब मैं ऐड कर लेती हूँ इसमें चाट मसाला। नियर बाय 1 टीस्पून के आसपास मैंने चाट मसाला ऐड किया है। ये है ऑरेगनो, ये भी 1 टीस्पून के आसपास मैंने ऐड किया है। जो भी मसाले मैं आपको बता रही हूँ आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आपको अगर ऑरेगनो ज़्यादा पसंद है 1.5 टीस्पून के आसपास आप ऑरेगनो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये चिली फ्लेक्स है, ये चाहूँ तो मैं डाल सकती हूँ बट मैं नहीं ऐड कर रही हूँ बिकॉज मैंने ग्रीन चिलीज ऐड किया है। सो मेरे लिए वो बहुत है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ये रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। ये देखिए जी ये हमारा है ग्रेवी का कलर। अभी से ही देखिए ग्रेवी का कलर कितना मस्त निकल के आया है। सो अब मैं ऐड कर रही हूँ हमारी ये पास्ता। ये लीजिए जी हमारे पास्ता ऐड हो गए, बॉइल्ड पास्ता। मिक्स कर लेते हैं फटाफट, अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये जो हमारी ग्रेवी है अच्छे से इस पर कोट हो जाए। ये देखिए अच्छे से हमारा कोट हो चुका है, मिक्स हो चुका है। चलिए जी ये अब अच्छे से पास्ता हमारे मिक्स हो चुके हैं। देखिए अभी से ही कलर कितना मस्त आया है। चलिए अब इसको कवर कर लेते हैं हमारे लिड को और थोड़े से पकने देते हैं, नियर अबाउट 5 to 10 मिनट्स। ये देखिए 5 to 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब हमारा ये पास्ता देख रहे हैं सारे जो ग्रेवी हमारी थी अच्छे से कोट हो चुकी है, फ्लेवर ऐड हो चुका है हमारे पास्ता के अंदर। चलिए बारी आती है अब गार्निशिंग की। मैं गार्निश कर रही हूँ इसको कोरिएंडर लीव्स से। आप चाहें तो इसे गार्निश कर सकते हैं चीज़ से भी थोड़ा इटालियन टच देने के लिए, बट क्योंकि हम बना रहे हैं बिल्कुल देसी स्टाइल में सो मैंने ऐड किया है कोरिएंडर लीव्स। चलिए जी आप ये देखेंगे तो कितना रेड्स येलोज एंड ग्रीन्स अच्छा लगता है बहुत इस तरीके से जब हमारी कोई चीज़ बनती है तो। सो हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। चलिए जी अब कर लेते हैं प्लेटिंग। यहाँ आप देखेंगे तो मैंने प्लेटिंग करा है और उसके ऊपर मैंने अच्छे से गार्निश कर लिया है कोरिएंडर लीव्स और सॉस के साथ। ये रेसिपी बहुत अच्छी बन के आती है, थोड़ी सी स्वीट टेस्ट, थोड़ा सा नमकीन, बहुत खाने में अच्छा लगता है। और स्पेशली मज़ा तब आता है जब बहुत सारी इसमें वेजीज होती हैं। मैंने यहाँ पे कॉर्न्स ऐड किया है, यू बिलीव मी गाइस, कॉर्न ऐड करने से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। सो रेडी है हमारी ये पास्ता। स्पेशली बच्चों का ये वन ऑफ द फेवरेट रेसिपी होती है। सो आप इस तरीके से बना के देंगे तो उसमें वेजीज भी इंक्लूड हो जाती हैं और हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स भी। मार्केट में डिफरेंट टाइप का पास्तास अवेलेबल हैं जो कि पहले होते थे मैदे से बने, आजकल सूजी से अवेलेबल भी हैं। ये जो मैंने पास्ता बनाए थे ये सूजी से बने हुए पास्ता थे। सो आप चाहें तो अपने बच्चों को इस तरीके से सूजी से बने पास्ता दे सकते हैं, which will become ultimately a healthy recipe for your kids. So I hope आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं, आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।